सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण कर रही है। हाल ही में परीक्षण के दौरान चेन्नई के एक प्रतिभागी ने कहा कि उस वैक्सीन का दुष्प्रभाव हुआ। वहीं सीआईआई का कहना है कि कोविशील्ड पूरी तरह सुरक्षित है और जांचकर्ताओं ने भी इस बात को माना। सीआईआई ने बयान जारी करते हुए कहा, कोविशील्ड पूरी तरह सुरक्षित और इम्यूनोजेनिक है। वैक्सीन परीक्षण के दौरान चेन्नई के प्रतिभागी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। सभी विनियामक और नैतिक प्रक्रियाओं के और दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। मुख्य जांचकर्ता डीएसएमबी और आचार समिति ने कहा कि प्रतिभागी को हुई समस्या वैक्सीन परीक्षण से संबंधित नहीं थी। बयान में कहा गया, कंपनी की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन चेन्नई में परीक्षण के दौरान 1 अक्टूबर को 40 वर्षीय एक व्यक्ति को लगी तो 10 दिन के बाद उसके मस्तिष्क संबंधी तकलीफ शुरू हो गई। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। परिवार ने परीक्षण पर सवाल उठाते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ड्रग कंट्रोलर डीन को नोटिस भेज मानसिक शारीरिक रूप से हुई क्षति और भविष्य में इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। इसके बाद सीआईआई ने रविवार को कोविड वैक्सीन परीक्षण में शामिल प्रतिभागी को लेकर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि वैक्सीन परीक्षण और प्रतिभागी की चिकित्सा स्थिति का कोई संबंध नहीं। सीआईआई ने प्रतिभागी के परिवार को भेजे गए नोटिस में कंपनी के ऊपर लगे आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और गलत बताया। सीआईआई के बयान में कहा गया है कि कंपनी को प्रतिभागी की चिकित्सा स्थिति को लेकर चिंता थी, लेकिन वो वैक्सीन परीक्षण पर अपनी चिकित्सा समस्याओं के लिए झूठा आरोप लगा रहा था। बयान में कहा गया, मेडिकल टीम ने पहले ही प्रतिभागी को इस बात की जानकारी दी थी कि उसकी चिकित्सा समस्या का वैक्सीन परीक्षण से कोई लेना देना नहीं। कंपनी ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद प्रतिभागी का सार्वजनिक जाकर ये बयान देना पैसा ऐंठने के लिए था। इसमें कहा गया कि कंपनी की छवि धूमिल करने के प्रयास को लेकर वो प्रतिभागी से 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।